के इस वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ आए हैं, जिसमें कि बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध के बारे में ट्रिक है। तो बाबर ने जिन जिन जो जो युद्ध लड़ा था और किन के साथ लड़ा था, ये सारे इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसका ट्रिक है बाबर के द्वारा लड़ा गया लड़ाई। तो इसके इस ट्रिक को इस प्रकार से याद करेंगे कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदेरी गया और 29 में घर आया। तो 26 का मतलब ये समझना है कि 1526, 27 मतलब 1527, 28 का मतलब 1528 और 29 का मतलब 1529। अब बताते हैं किस तरह से ये याद रखना है। तो 1526 में पानीपत का लड़ाई हुआ था, 27 में खाना खाया, तो खाना से याद रखना 1527 में खानवा का लड़ाई हुआ, 28 से याद रखना है 1528 में चंदेरी का लड़ाई हुआ और 29 से याद रखना है 1529 में घाघरा का लड़ाई हुआ। तो पानीपत का लड़ाई हुआ था 1526 में, 1527 में खानवा का लड़ाई, 1528 में चंदेरी का लड़ाई और 1529 में घाघरा का लड़ाई हुआ था। अब ये याद रखना है कि 1526 में पानीपत का लड़ाई बाबर और किनके बीच में हुआ था। तो पानीपत का लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, 1527 में खानवा का लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, 1528 में चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ और 1529 में घाघरा का लड़ाई बाबर और अफगान के साथ हुआ। इसको याद रखना PKCJ IRMA, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। पी से मतलब हो गया पानीपत का लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का लड़ाई राणा सांगा के साथ, चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय के साथ और घाघरा का लड़ाई अफगान के साथ। और अगले ट्रिक इसी वीडियो में अगले ट्रिक के बारे में जानेंगे, जो कि शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया प्रमुख स्मारक को याद करने के बारे में जानेंगे। तो शाहजहां ने इन सभी स्मारकों का निर्माण करवाया था, तो उसे याद रखने का ट्रिक है रेशमा दीवानी मत जा। तो रेश याद रखना रेशमा बाग याद रखना, फिर यहाँ से आ रहा है इससे याद रखना शाहजहांबाग, मौ से याद रखना मोती मस्जिद, फिर दो से याद रखना दीवाने खास, व से याद रखना है दीवाने आम, फिर यहाँ पे मत है तो मत से याद रखना मयूर सिंहासन, तो से याद रखना ताजमहल, जा से याद रखना है जामा मस्जिद। तो शाहजहां ने जिन स्मारकों को बनवाया था उसे याद रखने का ट्रिक है रेशमा दीवानी मत जा। इस हो जाता है रेशमाबाग, हो जाता है शाहजहांबाग, मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मयूर सिंहासन, ताजमहल और जामा मस्जिद। अगला ट्रिक है कि कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए थे कब हुए थे और इन्हें कौन करवाए थे। तो कांग्रेस के सम्मेलन को याद रखने का ट्रिक है, इसे याद रख सकते हैं BKMA, इसे पढ़ेंगे बकमा बंटू। तो बकमा मतलब होता है बम्बई में जो सम्मेलन हुआ था 1885 में हुआ था और ये करवाए थे बनर्जी ने करवाए थे। कोलकाता याद रखना के से कोलकाता 1886 में हुआ था, नौरोजी ने करवा, उसका जो चेयरमैन थे उस समय नौरोजी थे। एम्स याद रखना है मद्रास 1887 में हुआ था और उस समय के चेयरमैन तैयब जी थे। और ए से लिखना है इलाहाबाद में हुआ था और इसका उस समय चेयरमैन थे जॉर्जियूर थे और ये 1888 में हुआ था। कांग्रेस के सम्मेलन को याद रखने का ट्रिक क्या, कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन हुआ था, बकमा हुआ था और उस समय के चेयरमैन बंटू थे। बी से बनर्जी याद रखना, एन से नौरोजी याद रखना, टी से तैयब जी और यू से जॉर्जी। आज के इस वीडियो में यहीं तक ट्रिक रहेगा और इसी प्रकार के ट्रिक को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।